Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe. तो friends, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ मीशो रैंडम फाइंड्स पार्ट टू, क्योंकि पार्ट वन को आप सभी ने बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया है, तो यार पार्ट टू तो लाना बनता ही था. और अगर आपने पार्ट वन मिस कर दिया है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके देख लेना. तो इस बार मैंने जो भी प्रोडक्ट पिक किए हैं बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ट्रेंडी है. इसके अंदर मैं कुछ होम डेकोर की भी आइटम्स दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ट्रेंडी और मस्त है. तो अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट देखनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा. विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इन टू द वीडियो. तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है. मैंने सारे बॉक्स खोल के रखे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं और कुछ हम साथ में देखने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट मुझे क्या रिसीव हुआ था. सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज दिखा दूँगी आपको कि मैंने क्या ऑर्डर किया था. तो ओके, सेट ऑफ टू सोप होल्डर मंगवाया था. आपको इमेज देख के पता चल गया होगा कि किस तरीके का है. गाइस ये प्लास्टिक है, इसका मटेरियल जो है वो प्लास्टिक है. सेट ऑफ टू में आपको सोप होल्डर मिलेगा और कुछ इस तरीके का शेप है इसका, लीफ शेप में है. और आपको इस तरीके से अलग अलग मिलेंगे जिसको आपको असेंबल करना है. तो इस तरीके से आपको असेंबल करना, इस तरीके से, उसके बाद ऐसे. तो कुछ इस तरीके से आप अपने बाथरूम में रख सकते हो. ये दो कलर में मुझे रिसीव हुआ है. तो इस तरीके से आपको बाथरूम में यहाँ से चिपकाना है अपने टाइल्स पे. और यहाँ पे आपको साबुन रखना है. बहुत ही अच्छा और यूज़फुल प्रोडक्ट है. इस तरीके से आपका जो भी साबुन में जो भी पानी हो वो यहाँ से निकल जाएगा, गीला गीला साबुन नहीं रहेगा. तो यू कैन गो फॉर इट. जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से पैक होके आया था, इस तरीके के बॉक्स में. और मैं साथ में आपको इमेज दिखा दूँगी कि किस तरीके का प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था और क्या रिसीव हुआ है. तो फ्रेंड्स ओके, इसमें मैंने हेयर क्लिप मंगवाए थे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट है. बबल रैप में होके आया है. लेट्स ओपन. ये मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने फटाक से ऑर्डर कर दिया. ओके, तो कुछ इस तरीके से क्लिप्स मुझे रिसीव हुए हैं जो कि जैसा पिक्चर में दिख रहा था सेम वैसा मुझे रिसीव हुआ है. ये क्लिप के ऊपर इस तरीके से बो लगा हुआ है और ऐसे. ये प्योर वाइट नहीं है, थोड़ा ऑफ वाइट है, क्रीमिश है. और ये ब्लैक कलर का जो कि बहुत मस्त है. इसकी फिनिशिंग, इसका मटेरियल सब अच्छा है. लगाने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है. तो बहुत ही प्यारे और क्यूट सा लगे मुझे. अगर आपको लेना है तो यू कैन गो फॉर इट. तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक होम डेकोर की प्रोडक्ट. तो मैंने इसको देख लिया है, बहुत ही मस्त और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट मुझे लगा है. और आई नो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है ये वाला प्रोडक्ट. पहले आप इमेज देख लो. ये है सेट ऑफ टू टेबल रनर. इसका जो मटेरियल है वो जूट मटेरियल है. और इसकी फिनिशिंग देखो, बहुत ही अच्छे से पैक होके आया है. और इसका जो मटेरियल है वो जूट मटेरियल है. आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये मटेरियल और बहुत ही अफोर्डेबल है. मुझे सेट ऑफ टू में मिला था, वो भी अंडर 200 में. तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी है. अब देखो, और ये राउंड शेप में है. तो इसको ना आप एज अ टेबल रनर भी रख सकते हो अपने सेंटर टेबल पे, एज वेल अपने साइड टेबल पे. बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही एस्थेटिक लगने वाला है ये. और इसकी क्वालिटी सच में मुझे बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं और बहुत ही अफोर्डेबल है. तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड. इसके अंदर बहुत सारे कलर्स वेरिएशंस थे, तो आप चेकआउट कर लेना. और ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो अगर आपको कोई भी पसंद आ रहा है प्रोडक्ट तो आप जाके चेकआउट कर लेना. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके के पैकेट में आया है और ये मैंने खोल के रखा है. क्यूट प्रोडक्ट है, वाओ. ये है फ्रूट
फोक सेट है गाइस। इस तरीके से आपको मैं इमेज दिखा दूंगी तो आपको समझ में आएगा, आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके का है ये। इस तरीके से आपको ट्री मिलेगी और सेट ऑफ 6 फोक मिलेगी, जो कि ये जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का है। और इसके अंदर आपको इस तरीके की फोक मिलेगी कुछ बर्ड के शेप में। सेट ऑफ 6 है, इसको आप इस तरीके से रखो। मैं यहाँ साइड में आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से आप इसे रख सकते हो। बहुत ही मस्त। बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है, और अगर आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रखोगे ना तो बहुत ही मस्त लगने वाला है। कितना क्यूट है ना ये प्रोडक्ट, बहुत ही क्यूट है। आई लाइक इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है, आप इमेज देख लो, मैंने एक वुलन ब्लाउज मंगवाया था। ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया था, अपनी मम्मी के लिए मंगवाया था। तो देखो आप, ये वुलन का है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। इमेज में मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया अपनी मम्मी के लिए। कुछ इस तरीके का रेड कलर का है ये ब्लाउज, और ये वुलन का है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, सच में अच्छी है। ये मैंने M साइज़ मंगवाया है, अच्छी क्वालिटी है, भी अच्छा खासा वुलन है। गर्म तो लग रहा है, देखते हैं पहनने के बाद कैसा लगता है। तो मैंने ये M साइज़ मंगवाया था और मुझे M साइज़ ही रिसीव हुआ है। और इस तरीके से आपको वी नेक मिलेगा, और यहाँ पे बटन दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो गाइस, अगर आपको भी इस तरीके का ब्लाउज़, वुलन ब्लाउज़ चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। मेरी जो मम्मी है वो ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती है, तो साड़ी के ऊपर ये अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने मंगवाया था। अच्छा है इसका मटेरियल, यू कैन डेफिनेटली गो। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ था, और ये अगेन एक होम डेकोर आइटम है जो कि बहुत ही ट्रेंड में। दिखाती हूँ आपको, पहले आप इमेज देख लो, ये तो आपने डेफिनेटली देखा होगा। तो कुछ इस तरीके का आर्टिफिशियल फ्लावर्स मंगवाए हैं मैंने, सेट ऑफ 5। इस तरीके के पेस्टल कलर्स हैं, बहुत ही लाइट कलर है। वाओ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है गाइस। ये आपने बहुत लोगों के पास देखा होगा और है ही बहुत ट्रेंडी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ऐसे दूर से कोई नहीं कहेगा कि ये आर्टिफिशियल है, जस्ट गो फॉर इट। इतने मस्त प्यारे कलर हैं, आँखों को भी बहुत ही मस्त लगता है ये सारे कलर। इसके अंदर अगर आपको एक ही कलर के 5 चाहिए ना तो वो भी मीशो पर अवेलेबल है, बट मुझे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चाहिए था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ है। तो मैंने ये मंगवाया था वास, क्योंकि यार आर्टिफिशियल फ्लावर मंगवाए थे तो वास तो मंगवाना बनता ही था। तो ये भी जो वास मैं दिखाने वाली हूँ ट्रेंड में है, और ये आजकल सभी के पास है, और मुझे भी कब का लेना था। मैं दिखाती हूँ कुछ इस तरीके के बॉक्स में अच्छे से रिसीव हो के आए थे बॉक्स में। वाओ, कितना क्यूट वास है ना ये। तो मुझे कब से ये लेना था, डोनट शेप में आपको मिल जाएगा, और इसका कलर जो है वो वाइट है। अगर आपको ब्लैक में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और बहुत ही अफोर्डेबल है। इसकी साइज़ बहुत ही अच्छी खासी है गाइस, तो यू कैन गो फॉर इट। मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर इसी के लिए मंगवाए थे। आप देखो कितना मस्त लग रहा है ये, कितना एस्थेटिक लुक दे रहा है ना, है ना। बहुत ही क्यूट क्यूट डोनट शेप में ये आपको मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी बहुत ही मस्त है, कहीं से भी कोई डिफेक्ट नहीं है गाइस। तो यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली। बहुत ही प्यारा लगता है रखने के बाद, एज अ होम डेकोर आप रख सकते हो, या फिर अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आप अपने बैकग्राउंड में भी इसे रख सकते हो टेबल पर, बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो यू कैन गो फॉर इट।
तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ था, तो आप पहले इमेज देख लो। मैंने मंगवाया था ये ब्यूटी ब्लेंडर। वाओ, इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ है और इसकी हालत बहुत ख़राब है, मतलब ये हिल गया है देखो, लेकिन बहुत प्यारा है। ओके, ये स्टैंड है अंदर रखने का, ये पार्टीशन है। फोर सेट ऑफ फोर ब्यूटी ब्लेंडर मिला है। ऑक्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये मैंने इसीलिए मंगवाया क्योंकि यार हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, वो लगाने के बाद यहाँ वहाँ पड़ा रहता है तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि बॉक्स के साथ ही मिल रहा है तो देखते हैं कैसा आता है। सॉफ्ट है, अच्छा है, सभी के शेप अलग अलग हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट शेप में रिसीव हुआ है, कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही अफोर्डेबल है यार, और हमें इसकी नीड तो रहती है, तो यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ है। इतना लंबा मैंने क्या मंगवाया है वो देख लो आप। तो चलिए दिखाती हूँ। ये मैंने एक रग मंगवाया है, दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरीके का रग है, मैंने एक रग मंगवाया है, आप इमेज देख लो गाइस। बहुत ही मस्त क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है ये रग। कुछ इस तरीके की साइज़ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी साइज़ है गाइस। और ये कुछ इस तरीके की राउंड शेप में है, उसके अंदर आपको इस तरीके की स्पाइरल शेप में मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये जूट मटेरियल है और ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका। और देखिए आप, मैं आपको साइड में दिखा दूंगी। मुझे इसकी बहुत ही नीड थी क्योंकि मैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी करती हूँ, तो गाइस मुझे नीचे कुछ ऐसा रग चाहिए था जिसके ऊपर मैं किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर सकूँ। तो एज अ बैकग्राउंड मैंने ये लिया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जैसा पिक्चर में दिख रहा था ना, सेम वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। मेरे कहने पर ये रग आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अब जो प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही यूनिक है और किसी ने आपको नहीं दिखाई होगी, बट ये हमारे रूटीन लाइफ में बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम सबको ज़रूरत पड़ती है। तो वो है ये हेयर डाई का बाउल और ब्रशेस। हेयर कलर करने के लिए या फिर डाई करने के लिए इसकी नीड रहती रहती है। तो मैंने ये अपने मम्मी के कहने पर मंगवाया है, मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं कि कैसा आता है, बट ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही अच्छा है। ये हेयर ड्राई ब्रशिश है और ये बाउल है, ये बाउल की क्वालिटी भी अच्छी है गाइस। और ये ब्लैक कलर में है और इस तरीके से आपको ब्रशिश मिलेंगे, ये बड़ा वाला ब्रश, फिर ये यहाँ पे कॉम मिल जाएगा और ये छोटा वाला ब्रश जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और कुछ इस तरीके का ब्रश मिलेगा आपको, इस तरीके का ब्रश। ब्रश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और ये बाउल भी बहुत ही अच्छा है और ये प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसकी ज़रूरत तो सबको पड़ती है घर में, हमारे मम्मी को, हमें भी अगर हेयर कलर करना है तो हम कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अब मैं दिखाने वाली हूँ इस हॉल का लास्ट प्रोडक्ट, जो कि मुझे इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ है। तो चलिए देखते हैं, आप पहले इमेज देख लो। तो ये मैंने एक साइड टेबल मंगवाया है, जो कि बहुत ही ट्रेंड में है, आपने देखा ही होगा, तो मुझे भी इसकी नीड थी। ये जो टेबल है वो फोल्डेबल है, कुछ इस तरीके से आपको
फोल्डेबल है तो आप इसे फोल्ड कर सकते हो। अगर आपको इसकी नीड है तो आप फोल्ड करके यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नीड नहीं है तो आप बंद करके कहीं रख भी सकते हो। तो एज अ होम डेकोर भी आप किसी कॉर्नर पे रखोगे ना तो बहुत मस्त लगने वाला है। और इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, मुझे लगा नहीं था कि वुडन की क्वालिटी अच्छी आएगी, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छा रिसीव हुआ है और कहीं से भी कोई डिफेक्ट नहीं है। तो यू कैन गो फॉर इट गाइस। और ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है तो मैंने ये अपने बैकग्राउंड के लिए मंगवाया है, तो यू कैन गो फॉर इट गाइस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो या फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको मेरे सारे प्रोडक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको प्रोडक्ट्स पसंद आए हैं तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर लेना। अगर ये मेरी हॉल वीडियोस आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पार्ट टू पसंद आया है और अगर आपको चाहते हो कि मैं और पार्ट्स लेके आऊँ इसके, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।